बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है, और वो एग्जाम था आपका फायरमैन का, फायरमैन का की जो पोस्ट होती है, फायर फाइटर जो होते हैं उसके अंदर जो पोस्ट होती है उसकी एग्जाम हुआ, उसका एंट्रेंस एग्जाम। तो उसका जो सेट वन रहा है, जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसका पेपर है ये, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट या शिफ्ट वन कह लीजिए, फर्स्ट शिफ्ट का है ना, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, तो उसको हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर ये मिट जाएगा आपका, बिहार का, बिहार पुलिस फायरमैन, ठीक है, फायरमैन का ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया है, फटाफट हम क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हाँ कुछ चीजों को हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे बीच में। तो पहला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज नोन एज रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किस सोलर सिस्टम के अंदर रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है मार्स को। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मार्स, और मार्स जो है ये आपका सन, मतलब जो सन से है, सन से चौथा प्लैनेट है, मतलब सन से अगर जो हम बात करें, सन और फिर ये जो नाइन प्लैनेट सिस्टम आता है उसमें ये चौथी पोजीशन पर आता है आपका मार्स, ठीक है। और ये सब सेकंड नंबर पर, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है इसके अलावा, तो ये तो सेकंड हो गया, फर्स्ट जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो आपका मरकरी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली इंडिया की हम बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, एक ही चीज़ है, उनको रिमूव करना है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको अगर जो उनके पद से हटाना है तो वो किस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। तो इसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो होती है, इसका जो अधिकार है बेसिकली वो है किसके पास, पार्लियामेंट के पास, संसद के पास है, और संसद जो है इनको हटाती है थ्रू इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट का तरीका जो होता है, जो देखिए इम्पीचमेंट का तरीका जो है, ये प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है उनको हटाने का भी तरीका है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको भी हटाने का, उनके पद से हटाने के लिए जो प्रोसेस है वो आपका इम्पीचमेंट होता है, और ये पार्लियामेंट में लाया जाता है, जो दो सदन है हमारे, लोअर हाउस और अपर हाउस, इन दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के अंदर जो है ये प्रस्ताव लाया जा सकता है कि भाई हम फलाना व्यक्ति जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पर है या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसको हम हटाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी जाके कभी भी कह दे, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ ग्राउंड्स होते हैं, उन पर फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पर जो इंडिया के चीफ जस्टिस वो हैं, वो कौन है, वो है एन वी रमन्ना, ठीक है, एन वी रमन्ना, और ये 48th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए फिर हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं, फर्स्ट का सी, सेकंड का आपका ई ऑप्शन। नाउ फिफ्थ का पाते हैं, द मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग प्रेसिडेंट, तो कम से कम एज जो है प्रेसिडेंट बनने की वो कितनी होती है, राष्ट्रपति अगर जो किसी को बनना है, चुनना है, इलेक्शन लड़ना है, तो उसके लिए मिनिमम एज है आपकी 35 ईयर्स, ठीक है, 35 ईयर्स जो है मिनिमम एज रहती है। और अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अदर क्वालिफिकेशन में है कि जो लोकसभा का इलेक्शन है, ठीक है, लोकसभा जो हाउस ऑफ पीपल होता है, लोअर हाउस, उसका जो मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वही उस क्वालिफिकेशन को वो क्वालिफाई करना चाहिए पर्सन, और प्लस साथ में 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फिफ्थ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, के सिवान वॉज अ चेयरमैन, ठीक है, के सिवान जो है चेयरमैन थे, अभी नहीं है, प्रेजेंट टाइम पर नहीं है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो चेयरमैन है थे इसरो के, बट प्रेजेंट टाइम पर, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी इसरो, और प्रेजेंट टाइम पर जो चेयरमैन है इसरो के वो कौन है, एस सोमनाथ, एस सोमनाथ जो है प्रेजेंट टाइम पर इसरो के चेयरपर्सन है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये पहले हुआ करते थे बट अभी ये रिसेंटली इसी साल क्या हुए, रिटायर हो चुके हैं, तो नए पर्सन बन चुके हैं, ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन पुराना पूछा हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ देख लेते हैं, हु इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति है वो कौन है, ये है आपकी प्रतिभा पाटिल, ठीक है, प्रतिभा पाटिल जो थी आपकी भारत की पहली राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति, ठीक है। क्वेश्चन सेवन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करें एट नंबर की, राजेंद्र सेतु जो कि रिवर किस रिवर पर सिचुएटेड है, ये है आपका राजेंद्र सेतु जो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को कनेक्ट करता है बेसिकली, तो यह है गंगा रिवर पर बना हुआ एक पुल है राजेंद्र सेतु, ठीक है। तो एट्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ई एल नीनो, ये जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, कहाँ से आया है, देखिए एक्चुअली ये वर्ड है स्पेनिश वर्ड है और इसका मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा, ठीक है। तो ई एल नीनो और एक और साथ में वर्ड होता है यहाँ पर
जो दूसरा वर्ड है उसका नाम है, वो वर्ड है आपका ला नीना, ठीक है। और ये दोनों वर्ड्स जो हैं क्लाइमेटिक पैटर्न को डिस्क्राइब करते हैं, कहाँ पर, जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो टेम्परेचर वेरिएशंस और जो विंड वेरिएशंस को का असर आपको देखने को मिलता है, क्लाइमेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इल नीनो और ला नीनो ये दोनों क्लाइमेटिक फैक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं और ये बेसिकली वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द मेन रीजन व्हाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन अ ईयर, मतलब कौन सा वो मेन कारण क्या है कि जो किसान जो है वो साल में तीन टाइप की फसलें जो है वो उगा सकते हैं अपने फील्ड में, खेतों में, उसका जो मुख्य कारण है, उसके कई सारे कुछ मुख्य कारण है, जैसे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है उनमें से कि वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, एक अच्छा सिंचाई का साधन जो है उपलब्ध है, जिसकी वजह से जो है एक साल के अंदर तीन या चार फसलें जो उगाई जा सकती हैं, मल्टीपल क्रॉप्स जो है वो हो सकता है, ठीक है। और इसके कुछ और मुख्य कारण हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होना। देखिए सबसे पहले जो एक आपने अगर जो एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने नाम सुना होगा पालमपुर विलेज, ठीक है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी आई थी फॉर द इरीगेशन पर्पज, वो आई थी पालमपुर गाँव में, ठीक है। और मल्टीपल इंट्रोड्यूस किया गया इसमें मल्टीपल क्रॉप सिस्टम को, ग्रीन रिवोल्यूशन आया आपका, जिसके अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन में हाई यील्ड वैरायटी की जो सीड्स है वो लाई गई, ठीक है। तो जिसकी वजह से मल्टीपल क्रॉप फार्मिंग आपको देखने को मिलती है देश के अंदर, ठीक है, एक साल में। एग्रीकल्चर क्रेडिट और ये सब चीज़ें नहीं होती। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमारा एट्थ क्वेश्चन हो चुका है, गंगा रिवर करेक्ट आंसर था। फिर हम बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की, तो नाइन्थ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एक्चुअली इसे सॉल्व कर लेते हैं, हम ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करेंगे, एक आधा कर लेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली आंसर में देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक डायगोनल है रोम्बस, उसकी लेंथ दी हुई है दो और साइड्स बतानी है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट पर समझ लीजिए कि जो डायगोनल है, ठीक है, तो मतलब जैसे सिक्स स्क्वायर एक साइड ये प्लस सिक्स एट का स्क्वायर जो आपकी दूसरी साइड ये है, ये बराबर होती है फोर ए स्क्वायर के। अब यहाँ से इनको सॉल्व करते हुए ए स्क्वायर ए की वैल्यू ए स्क्वायर आप निकालोगे तो आएगा 25 और ए की वैल्यू आएगी 5, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन ए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। नाइन्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए 5 सेंटीमीटर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, ये होता है आपका इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। लीनियर मोमेंटम के अंदर चेंजेस आएंगे वो कहलाते हैं आपकी फोर्स, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है, जो धनानंद की रचनाएं हैं, एक्चुअली जो धनानंद है, ये 14 क्वेश्चन है, धनानंद की जो भाषा थी, मतलब जो इनकी लोकल लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत लोकल लैंग्वेज थी इनकी। और जो इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं जो, और जो बेसिकली इन्होंने साहित्य लिखा है वो लिखा है इन्होंने ब्रज भाषा में, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्रज भाषा, ठीक है। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में है बट इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत। फिर देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसे भी थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लेते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स में पूछा गया, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही कम्स, जब तक वो आया नहीं तब तक मैंने उसका वेट किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 11th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होता है बेसिकली वो होता है कौन सा, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है उसके थ्रू वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में उन एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ठीक है। 12th का ऑप्शन नंबर डी। 16th क्वेश्चन देखते हैं, द रॉ मटेरियल एंड द मनी इन हैंड इज कॉल्ड, द रॉ मटेरियल और इन मनी इन हैंड जो होता है वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वर्किंग कैपिटल जो होता है वो यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिटीज के लिए, मतलब कुछ आपको सामान बनाना है तो उसके लिए जो जरूरत होती है प्रोडक्शन के लिए वो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और उस तरीके की चीज़ों को कहा जाता है करंट कैपिटल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर करेक्ट 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 8 सितंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ, इनमें से कौन सी चीज है जिसे प्रूफ की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो जरूरत होती है बेसिकली, देखिए जो एग्जाम है, डेफिनेशन है और पोस्टुलेट्स है,
ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपस में ये सेल्फ में ही क्या होती हैं, इनको किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर इस प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती इन सभी चीज़ों के अंदर। और तो बचती क्या है हमारी, ऑप्शन नंबर डी बी, ठीक है, जो थ्योरम है भाई आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 9th 10th में भी पढ़ा होगा और जो हायर क्लासेस उसमें भी देखा होगा कि आप लिखते हैं ना कोई भी स्टेटमेंट है कि हेंस प्रूफ, भाई हमने ये सॉल्व किया, ये आंसर आ गया, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारा इक्वल हो गया, तो हेंस प्रूफ, तो वो चीज़ क्या होती है, थ्योरम होती है ना। तो ये थ्योरम के अंदर देखने को मिलता है, थ्योरम के अंदर जो है प्रूफ की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो एक बहुत फेमस बुक है ये, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बुक जो है, इसे किसने लिखा था, इसे लिखा था चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं, मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में कौन सा, मतलब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कौन सा रहता है आपका, ठीक है, वो रहता है लैंड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड, ठीक है। तो कोई भी गुड्स और सर्विस अगर जो प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए चार फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो चार फैक्टर्स जैसे आपका कैपिटल, लेबर, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट अबंडेंट फैक्टर पूछा गया था तो आपका लैंड, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का ऑप्शन नंबर ए, 22 क्वेश्चन नंबर है, अग्नि का विश्लेषण, सॉरी विशेषण बताना है, अग्नि शब्द जो है उसका विशेषण बताना है आपको, वो होता है अग्निकार, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अग्निशार सॉरी अग्निकार इज द विशेषण ऑफ अग्नि। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा 19th क्वेश्चन, 18th हो गया, हाँ या ओ हो गया होगा, मोटेरा, मोटेरा स्टेडियम, तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, ये कहाँ पर है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद के अंदर है, ठीक है। और उसका जो नया नाम रखा गया है वो कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा अब मोटेरा स्टेडियम, ठीक है, और ये कहाँ पर है, अहमदाबाद के अंदर है, और ठीक है। और फिर हम बात करें यहाँ 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 23rd के बारे में बात करते हैं, द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कंट्री, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कंट्री कौन है, पहली महिला वो है वी एस रामा देवी, और वी एस रामा देवी जो है इलेक्शन कमिश्नर से बनने से पहले जो है वो रह चुकी हैं कर्नाटका स्टेट की गवर्नर, गवर्नर ऑफ द कर्नाटका स्टेट भी रह चुकी हैं वी एस रामा देवी, ठीक है। और ये जब बनी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन से नंबर की बनी थी, 9th नंबर की जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बनी थी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, द हॉट ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्सा है भारत का, वहां पर जो गर्म हवाएं चलती हैं, सूखी सूखी हवाएं, गर्म हवाएं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लू। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 24th क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट यूज ऑफ कम्युनिज्म टेक्स प्लेस, जो कम्युनिज्म है ये कहाँ पर सबसे पहले देखने को मिला है, ये हुआ है सबसे पहले, देखिए ये हुआ था 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में, ठीक है। और कम्युनिस्ट एक गवर्नमेंट बनी, ठीक है, जिसके अंदर मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म इन दोनों चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले किया, ठीक है। और ये हुआ था यूएसएसआर में, यूएसएसआर, ठीक है, कब बना था, 1917 के अंदर हुआ था ये। तो देखिए अब इस टाइम पर यूएसएसआर हुआ करता था, बट आज की बात करें हम करंट टाइम पर, तो वो क्या है आपका रशिया, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ये आपका वर्ल्ड वॉर टू के बाद बेसिकली रशिया जो है वो ब्रेक, यूएसएसआर आपका ब्रेक हो गया, अलग अलग कंट्रीज उसमें बन गई थी, ठीक है। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रशिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, सिल्वर आर्टिकल्स कम्स ब्लैक, जो सिल्वर चांदी के जो चीज़ें होती हैं, बर्तन या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, ऑर्नामेंट है, तो वो काले पड़ जाते हैं आफ्टर सम टाइम्स, कुछ टाइम के बाद, जब वो अगर जो है हम ओपन एटमोसफेयर में रख देते हैं, ठीक है, एयर में रख देते हैं, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो कौन सी परत बना लेते हैं, वो बना लेते हैं आपकी परत किसकी, सिल्वर सल्फाइड की, देखिए सिल्वर सल्फाइड का लिखा हुआ है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर सल्फाइड। अब देखिए इसमें रिएक्शन जो होती है वो सिल्वर होता है प्लस आपका एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2S और साथ में ऑक्सीजन, इसकी प्रेजेंस में जो एक रिएक्शन देखने को मिलती है, तो AG2S, ठीक है, ये है सिल्वर सल्फाइड और प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये सिल्वर सल्फाइड बन जाता है जब उसको आप ओपन एटमोसफियर में रखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 28th का, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू द बैंक द रेट ऑफ इंटरेस्ट
चार्ज बाय मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब जो लोग उधारी पर देते हैं ना, उधारी पर पैसा, और तो जो उधारी पर जनरली जो ब्याज का धंधा करते हैं, है ना, तो वो लोग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो वो कैसा होता है, मतलब कम होता है, ज्यादा होता है, या हल्का सा ज्यादा होगा, या बहुत ज्यादा होता है, वो आपको बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगा। बैंक जो है, अगर जो आप कोई होम लोन लेते हो, मान लीजिए कोई सा भी आप पर्सनल लोन लिया, तो आपको क्या 12% पे या 10% पे आपको बैंक जो है इंटरेस्ट पे आपको लोन देती है। बट जो मनी लेंडर्स होते हैं, ये लोग जो है इनका फिक्स रहता है कि ये मंथली चार्ज करते हैं 12%, 15%, ठीक है, वट एवर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट, कोई फिक्स नहीं रहता, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं रहता है सच, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। 26 का ऑप्शन नंबर डी। फिर है हिरोशिमा। हिरोशिमा एक कविता है जिसके रचयिता कौन है। हिरोशिमा जो पोएम है इसको लिखा था सच्चिदानंद हरिनंद वात्सल्यन अज्ञेयन ने, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हिरोशिमा। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डेमोक्रेसी फाइनल अथॉरिटी रेस्ट विद, जो आपका लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अंतिम पावर जो किसके पास होती है, वो होती है पीपल्स के पास। पीपल्स मतलब या पीपल रिप्रेजेंटेशन, पीपल का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उनके पास। अब ये कौन होगा, ये आपके एमएलए होते हैं या फिर आप एमपी होते हैं, इन्हीं लोगों के पास जो है डेमोक्रेसी के अंदर फाइनल अथॉरिटी ऑफ पावर होती है, ठीक है। तो एक तरीके से आप मिनिस्टर ना कह के पीपल या पीपल का रिप्रेजेंटेशन जो वो लोग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 27th क्वेश्चन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन, जो सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स पास ऑन हो जाता है, उस चीज को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। आपने घरों में देखा होगा आरओ लगा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह होता है, तो ये वही वाला प्रोसेस है, ठीक है, ऑस्मोसिस। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मयूरभंज माइंस। मयूरभंज माइंस जो है ये आपकी कहाँ पर है, ये आपकी देखने को मिलती है। और मयूरभंज बेसिकली एक्चुअली ये आपकी है ओर माइंस है, ठीक है। ओर माइंस किसकी, आयरन की, लोहे की सबसे बड़ी माइंस जो है, शुरुआती माइंस है जब खुदाई चालू हुई 1910 के अंदर, ठीक है। तो ये मयूरभंज माइंस जो थी शुरू हुई, ठीक है। तो मयूरभंज माइंस जो है उन्होंने किसके लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए, ठीक है। 31 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हुज रोल वॉज प्रोमिनेंट इन द बस्तर मूवमेंट। बस्तर का जो लड़ाई हुई थी, बस्तर कहाँ पर है आपका, बस्तर के सॉरी 32 है ना, 32 क्वेश्चन नंबर। बस्तर कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जगह है। तो बस्तर की जो लड़ाई है वो, उसमें जो मुख्य किरदार या मुख्य काम जिसने किया, फेमस व्यक्ति वो कौन थे, वो थे गुंदादूर, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए। हु अपॉइंट द सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ये अपॉइंट की जाती है ये पोस्ट। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 148 से 151 तक के बीच में, कई कई सारे प्रोविजंस के हैं इसमें, जो सीजी को पावर्स, अपॉइंटमेंट्स, टर्म, बहुत सारी चीजें दी जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर है एवरी रैशनल नंबर इज और एन। हर जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, वो आपका रियल नंबर होता है। रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहा है, तो रैशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं आप पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, और उसके लिए कंडीशन है कि क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, तो वो रियल नंबर होता है। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है, ऑप्शन डी। 37 पे हम बात करें, 37 में मुझे डाउट है, इसका आंसर आपको मैं बाद में कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं 34 के क्वेश्चन पर। व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ, व्हाइट रिवोल्यूशन जो एक्चुअली किसी से संबंधित है, आपका मिल्क के, जो दूध का उत्पादन है उसके लिए जो रिवोल्यूशन हुआ था वो था आपका व्हाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। और जो राइस वगैरह के लिए इसके कौन सा रिवोल्यूशन था, ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इन विच स्टेट द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, किस राज्य के अंदर जो एशिया का सबसे साफ गांव वो बसता है आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका सॉरी ये जो है आपका मेघालय, मेघालय 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 के अंदर एक गांव है, इसका नाम है मिलयोंग, ठीक है। उस गांव को एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाता है, ठीक है। 35 क्वेश्चन को देखते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल, जो अमेरिका की जो आजादी की लड़ाई है उस पे जो लीडर थे वो कौन थे, वो थे वॉशिंगटन। वॉशिंगटन कौन है, ये आपके जो जॉर्ज वॉशिंगटन नाम है इनका, और ये जो अमेरिका जब आजाद हुआ, ठीक है,
और अमेरिका आज़ाद जब हुआ 1789 के आसपास में, ठीक है, तो उस टाइम पर जो अमेरिका यूएसए है उसका जो पहले राष्ट्रपति थे वो यही थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिवर भागीरथी ज्वाइंस द अलकनंदा। देखिए अलक अलकनंदा आपकी यहाँ से आ रही है, भागीरथी इस तरीके से आ रही है और एक जगह से मिलती है, उसको कहते हैं देव प्रयाग, और उस जगह से आपकी क्या निकलती है, गंगा रिवर आकी ओरिजिनेट होकर आगे बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, देव प्रयाग। नेक्स्ट है, द हार्मोन विच रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बेसिकली रेगुलेट करता है, वो होता है पेनक्रियास। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पेनक्रियास। ठीक है, तो और जो पेनक्रियास कौन सी हार्मोन को बेसिकली रेगुलेट करता है, वो होता है आपका इंसुलिन और ग्लूकोजन। ग्लूकोजन ये तो आपके ब्लड शुगर लेवल को के रिलेटेड जो है हार्मोन से इनको रेगुलेट करता है कौन, पेनक्रियास। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चलो इसे भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है सम कंपाउंडेड एनुअली, सम दिया हुआ है 225/16 टाइम्स ऑफ इट्स इन 2 ईयर, मतलब टाइम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है इतना टाइम्स, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट बना तो वो बना को क्या होगा, 25/16 ऑफ पी। ठीक है, क्योंकि पी आपने माना है तो उसका पी बना है आपके, ये टाइम पीरियड आपके पास ये है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर रखेंगे तो प्रिंसिपल आपका 25/16 पी इज इक्वल्स टू पी आपका फॉर्मूला 1+R/100, टाइम पीरियड क्या था एन, मतलब आपका 2 होगा, 2 साल है ना, पी पी आपका कैंसल आउट, स्क्वायरिंग करो दोनों साइड की तो 5/4 इज इक्वल्स टू 1+R/100, यहाँ से जब R निकालोगे आप तो आएगा 25%। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25%। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन द वाटर। आइस जो है आपकी पानी में तैरती क्यों है। ठीक है, अब देखिए आइस जो होती है ना बेसिकली ये 9% अप्रोक्सीमेटली 9% लेस डेंसर होती है वाटर से, मतलब जितना घनत्व एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर का होगा और फिक्स उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर आइस का होगा, तो जो डेंसिटी है वो आइस पे कम देखने को मिलेगी, वाटर में ज़्यादा मिलेगी। जब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका क्या हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका जो फ्लोटिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वाटर जो है वो हैवी हो जाता है और आपका आइस हल्की हो जाती है, तो उसकी वजह से वो तैरता रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आइस इज फुल ऑफ एयर, नहीं, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द वाटर, बिल्कुल सही, डेंसिटी की बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, डेंसिटी ऑफ आइस जो है कम रहती है आपकी वाटर से, जिसकी वजह से आइस जो है वो फ्लोट करती है आपकी पानी के अंदर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो भारत का क्लाइमेट है वो किस टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। तो ये होता है आपका जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर रहेगा ट्रॉपिकल एरिड। ठीक है, शुष्क रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है कुछ चेंज हो, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा इफ इन केस इसमें कुछ चेंजेस रहते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं 44th क्वेश्चन, द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो जो गुड्स और सर्विस आपको प्रोड्यूस करनी है, रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो होता है आपका लैंड, कैपिटल, लेबर। ठीक है, और जो आपका है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, और ह्यूमन कैपिटल आपको चाहिए, ह्यूमन मतलब कैपिटल का मतलब होगा कि ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए। देखिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, लैंड रहेगा, लेबर है, फिजिकल कैपिटल, तो मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अपॉइंटेड एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद है, उनमें से कौन सा व्यक्ति अपॉइंट नहीं हुआ है। देखिए अगर जो हम लिस्ट की बात करें तो फटाफट देख लेते हैं, तो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, फिर सेकेंड थे मोरारजी देसाई, थर्ड थे चौधरी चरण सिंह, फोर्थ थे आपके बाबू जगजीवन राम, और फिफ्थ नंबर पे थे यशवंत राव और बलवंत राव चवन। ठीक है, यशवंत राव, बलवंत राव चवन फिफ्थ नंबर पे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे भारत के। फिर सिक्स नंबर पे रहे चौधरी देवीलाल। ठीक है, सेवन्थ नंबर पे जो लास्ट अभी तक रहे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन कौन नहीं है, देवीलाल की बात कर रही, मोरारजी देसाई है, लाल कृष्ण आडवाणी है, एच एन बहुगुणा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 45 का,
ऑप्शन नंबर ए एच एन बहुगुणा इज नॉट अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन 49th क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया है कि कालिंदी कुलकम्बदा का डायरन में, बेसिकली इस स्टेटमेंट में कालिंदी का मतलब क्या है। कालिंदी का मतलब होता है यमुना, यमुना रिवर को कहते हैं कालिंदी रिवर। ठीक है, जो दिल्ली गए होंगे या दिल्ली के आसपास कभी गए होंगे, यमुना रिवर जब कभी क्रॉस किया होगा तो वहाँ पर कई जगह आपको देखने को मिलेगा यमुना की जगह कालिंदी कुंज या कालिंदी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 50th क्वेश्चन, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो किसके द्वारा अध्यक्ष किया जाता है, मतलब उसकी अध्यक्षता कौन करता है। वो करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर जो है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की जो है अध्यक्षता करते हैं। बट इसको जो कॉल करना होगा जब कोई बिल फंसता है, डेडलॉक की कंडीशन आती है, तो जो राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन की जो मीटिंग है उसको बुलाते हैं एज पर द आर्टिकल 108 नंबर आर्टिकल में इस बारे में दिया गया है। बट उसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो की जाती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि द फ्रेश वाटर लेक, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। वोलर लेक जो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, और ये आपकी श्रीनगर जो आपका शहर है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इको इज हर्ड ड्यू टू, इको जो है हमें वो क्यों सुनाई देता है, इको सुनाई देता है बिकॉज ऑफ द साउंड वेव्स जो होती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। देखिए साउंड वेव्स जो है वो बेसिकली, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की वजह से आपको इको सुनाई देता है। ठीक है, जो बहुत बड़ा हॉल होता है या पहाड़ों पे जब जाते हैं तो आपको खुद की आवाज़ कई बार खुद ही सुनाई देती है। ठीक है, ये उसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस का जो विलोम शब्द है सुमिलित नहीं, विलोम नहीं है, मैच नहीं है। तो वो जो करेक्ट आंसर है विलोम वाला जो है आपका आंसर 51 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें है आपका देखिए उन्मुख, उन्मुख का जो विलोम होता है वो होता है विमुख, विमुख। ठीक है, उन्मुख का विलोम होता है विमुख, सुमुख नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका सिट्रिक एसिड जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, फ्री एसिड के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर मिलेगा, लेमन के अंदर, और लेमन के अंदर क्या बहुत प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, विटामिन सी। ठीक है, लेमन। निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद कौन सा वाला है। ठीक है, ये पूछा गया है, तो युधिष्ठिर का जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका युधिष्ठिर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद युधि प्लस स्थिर होता है। ठीक है, नेक्स्ट 53 क्वेश्चन पे आते हैं हम, अंडर हूज सुपरविजन द फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, जो लोन है, लोन का जो दिया गया उसके सोर्सेज और उसका जो रिपेमेंट है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है बेसिकली सुपरवाइजन का काम, निगरानी का काम कौन करता है, वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको स्थापित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था आपका 1935 का। ठीक है, 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये इस्टेब्लिश की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। करंट टाइम पर जो गवर्नर है रिजर्व बैंक के वो कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट 57th। ठीक है, वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होता है। ठीक है, वस्तु शब्द जो है इसका जो बहुवचन है वो होता है वस्तुएं। देखिए वस्तुएं कौन सा वाला है इसमें स्पेलिंग, देखिए ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट स्पेलिंग है वस्तुओं की। ठीक है, वस्तुएं 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 58, मधुबनी स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग जो है वो किस स्टेट की फेमस है। देखिए मधुबनी कहाँ से है, बिहार की, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी नाम का, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, वहीं की ये फोक पेंटिंग है जो फेमस है आपकी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है फॉर द यूज इन हैवी मशीन्स के अंदर, ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, वो होता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक, ग्रेफाइट एज अ ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है हैवी मशीन के अंदर। ठीक है, चलिए फिर यहाँ देखते हैं 59th क्वेश्चन, द नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय माउंटेन, जो नॉर्थन मोस्ट हिमालयन रेंज है माउंटेन्स की उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका ग्रेट हिमालयंस या फिर इनर हिमालयंस या फिर हिमाद्री, इन तीन नामों से जाना जाता है। ठीक है, जो मोस्ट नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय है भारत की। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हिमालयस, हिमाद्रीज। ठीक है, क्लियर। और सतपुरा आपका जो सतपुरा और विंध्या जो है वो MP के अंदर पहाड़ी रेंजेस है, और शिवालिक आपका जो फुटहिल है आपका जो हिमाचल के नीचे वाला जो पार्ट है आपका, वहाँ पर हिमाचल उत्तराखंड में आपको शिवालिक्स देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा
लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन इज, एलिमेंट्री कैनाल जो है लॉन्गेस्ट पार्ट ह्यूमन के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें कौन सी पार्ट होती है, वो होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें अगर, तो ये देखिए स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन जो है वो 10 फीट के आसपास होती है, इसकी जो लेंथ की बात करें तो 10 फीट के आसपास होती है। और एलिमेंट्री कैनाल जैसे आपका माउथ है, पेनक्रियास है, ओस्टोफेगस है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे पार्ट जो है आपके किसके आते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। ठीक है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर दिस पर्टिकुलर, द साउंड केम्स एट, देखिए एट द रूम होता है, ऑन द रूम नहीं, एट द रूम। ठीक है, यहाँ पर आएगा एट। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं जादव पेयांग। ठीक है, जादव पेयांग 62 का करेक्ट आंसर है। और इन्होंने अपने 30 साल में लगभग अपने पिछले 30 सालों के अंदर 40-40 मिलियन ऑफ ट्रीज जो है वो लगाए हैं। ठीक है, तो जादव पेयांग जो है वो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल रिफर्स टू द, नंबर ऑफ फीमेल्स जो ये रेशियो होता है बेसिकली, कौन सा रेशियो होता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सेक्स रेशियो 66 का ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट है, द मोशन ऑफ प्लैनेट इज गवर्न बाय, जो मोशन ऑफ प्लैनेट है वो गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? ये गवर्न किया जाता है कैपलर्स लॉ के द्वारा, कैपलर्स लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था तो वो था कि प्रोवाइड करना एक एलिमेंट्री एजुकेशन सभी बच्चों को, जो कि एज ग्रुप के 6 से 14 साल तक के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उन सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सर्व शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, देखिए मीनिंग बताना है बेसिक बेलिकोस का, बेलिकोस का जो करेक्ट मीनिंग होता है एक्चुअली, इसके मीनिंग होता है जैसे आपका डेमोस्ट्रेटिंग एग्रेशन और विलिंग ऑफ टू फाइट, मतलब एक इच्छा शक्ति लड़ने की, है ना, एग्रेशन मतलब आपको ठीक है ये करना है तो करना है, मतलब होता है ना जोश, है ना, तो ये उसका बेसिकली मीनिंग होता है, एग्रेसिवनेस एक तरीके का इसका जो करेक्ट ओपिनियन मेरे ख्याल से मीनिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दो बोन्स को एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं वो थ्रू द लिगामेंट के थ्रू, लिगामेंट के थ्रू ज्वाइन करते हैं, 65 का ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंटेड है तो क्या बनाते हैं? देखिए टू एंगल्स, एक एंगल्स ऐसा है, एक एंगल कॉम्प्लीमेंटेड ऐसे खड़ा हुआ है, तो वो क्या बना रहे हैं? ये आपका एक तरीके से 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, तो नहीं सॉरी नॉट कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 68 का, ये नहीं रहेगा, सम जो होगा उन कॉम्प्लीमेंटेड एंगल्स का वो 90 डिग्री होगा, बट ये बनाएंगे क्या, बनाएंगे ये दोनों मिलके एक्यूट एंगल बनाएंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए नहीं रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा, द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की गई थी, एंटीबायोटिक वो डिस्कवर की गई थी कौन सी? पेंसिलिन डिस्कवर की गई थी पहली बार, और पेंसिलिन को डिस्कवर किया था 1928 के अंदर किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक द सोलर सेल, सोलर सेल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? वो किया जाता है सिलिकॉन, सिलिकॉन मटेरियल जो यूज किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल के अंदर, जो जिससे बनते हैं हमारे सोलर सेल्स। 74th क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट आंसर एक्टिव, इंग्लिश का है इसे मैं अभी स्किप कर रहा हूँ इंग्लिश वाला पार्ट। फिर है नेक्स्ट, एक वृक्ष की हत्या, ये कविता जो है 75th क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या, इस कविता को लिखा था किसने? लिखा था इसे कुंवर नारायण ने। ठीक है, कुंवर नारायण ने। ठीक है, रेडिश इज मॉडिफाइड, रेडिश जो है आपकी ये क्या होती है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्या होती है? टेप रूट होती है, ये होती है ऑप्शन नंबर ए, रूट, टेप रूट। ठीक है, टेप मतलब इस तरीके से आपका जो कोनिकल शेप होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर देखिए 76 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किस समूह में रात के पर्यायवाची बताने हैं आपको, बेसिकली जो नाइट रात होती है उसके जो पर्यायवाची शब्द है वो बताने हैं। तो रात का पर्यायवाची जैसे आपका रात्रि होता है, रैन होता है, रजनी, निशा,
यामिनी, तमी, निशी, प्रियाना, ये कई सारे वर्ड्स होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए रात्रि, रचनी, धरा, धरा में थोड़ा सा अभी देखते हैं क्या है, माही, अवनी, यमनी, यामिनी, ये भी हो सकता है, और शरीफ, तरी, रात्रि, ठीक है। और एक्चुअली इसमें कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वी विल स्किप दिस क्वेश्चन, आगे देखते हैं हम पहले, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही एंड आई वर, यहाँ पे आएगा वर, वर प्लेइंग यस्टरडे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर डिड टिस्को वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द जमशेदजी टाटा। देखिए जमशेदजी टाटा ने जो टिस्को, जो टाटा का फर्म है, उसको शुरू किया कहाँ थे, जमशेदपुर में, जमशेदपुर जो झारखंड के अंदर है। अब देखिए यहाँ पर क्या कंट्रोवर्सी यही है कि भाई यहाँ पर तो कोई झारखंड का नाम ही नहीं लिया हुआ है, ना जमशेदपुर की बात कर रहा है, तो आई होप सो इसमें डाउट है, मे बी ये जो आपका कंडक्टिंग बॉडी है इस क्वेश्चन को रिप्लेस करे या कुछ एडिशनल मार्क्स दे इस चीज़ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है कि क्या आंसर होगा, बट करेक्ट आंसर इसका जमशेदपुर रहेगा झारखंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज़, अब इंडिया के पास जो है वो किस टाइप की पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी, मल्टी पार्टी या ऑटोक्रेटिक सिस्टम है। देखिए यहाँ पर बहु पार्टी, मल्टी पार्टी है, मतलब इंडिया के अंदर ना बहुत सारी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, एआईएमआई, एआईडीएमके, एसएडी, बहुत सारी मल्टीपल पार्टी सिस्टम है जिसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78th क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 का हुआ, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इन ऑप्शंस में से किस में है, तो इनमें से करेक्ट आंसर रहेगा वेस्ट बंगाल। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि इन विच सिटी डज द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो उसके हेडक्वार्टर्स हैं हेग में। हेग कहाँ पर है आपका, नीदरलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर है ये आपका, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रांसलेशन है बेसिकली, सिंपल सा है, भूगोल सीखना कठिन है। देखिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर ये रहेगा, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ठीक है। तो और ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे भी हम अभी स्किप कर रहे हैं फिलहाल, और हम आगे बात करें तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन, 83rd, और ये तीनों लेते हैं, ठीक है। 83rd क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो अर्थ एटमोसफेयर के अंदर कितना परसेंटेज में उसका रहता है रेशियो, वो रहता है 78%। आपको पता ही है ऑक्सीजन का लेवल कितना रहता है, 21% के आसपास में, ठीक है। डी थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू, जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होगा उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ बेनिफिट टू एजुकेट लाइट फील्ड लेटर, ठीक है। 84th क्वेश्चन, आई हैव ऑल्सो डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वी विल स्किप दिस टाइम, डू इट इन लेटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको ढूंढना है। इसमें भी मुझे थोड़ा सा संदेह है, इस क्वेश्चन को भी हम दो तीन क्वेश्चन हैं हमने जो स्किप किए हुए, वो हम कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को देखेंगे क्या रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 89 क्वेश्चन, हु प्लेड द रोल इन बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के अंदर जो मेन रोल किया था वो निभाया था वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। किसने निभाया था, वल्लभ भाई पटेल। 89 का करेक्ट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के जो एग्जाम्पल है, देखिए फ्रीजिंग ऑफ आइस, आइस पानी से बर्फ बन गई, ये आपका फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ शुगर, शुगर भाई आपकी सॉलिड थी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये भी आप फिजिकल चेंज है। सोरिंग ऑफ मिल्क, इस क्या आता है, ये केमिकल चेंज है बेसिकली। और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी यूनिट्स, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, रबी क्रॉप नहीं है इनमें से कौन सी, ठीक है। जैसे रबी क्रॉप कौन सी होती है, वीट, ग्रीन, ओट्स, बार्ले, पोटैटो, और जैसे सीड्स वाली जो हम बात करें, सीड्स वाली फसलें जैसे मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया, सनफ्लावर, कोरिएंडर, क्यूमिन्स, ये सारी जो होती है रबी की क्रॉप्स होती है। हमने बात कर ली ग्राम, वीट और मस्टर्ड, ये सारी क्या है, रबी क्रॉप। तो ज्वार है ये आपका रबी क्रॉप नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे 91 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो कौन सी कंडीशन होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जो आप कैपेबल हो बट आप करते नहीं हो पूरा काम,
आर वर्किंग लेस देन वॉट दे आर कैपेबल. मतलब आप जैसे होता है ना, कई सारे लोगों को होता है कि भाई कैपेबल हैं, वो काम कर सकते हैं, बट वो करना नहीं चाहते और करते नहीं हैं, तो उस चीज़ को कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है. एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली आपकी जो है ये एक वर्ल्ड वाइड जो है ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल. इसके हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं, लंदन के अंदर, ठीक है, क्लियर. अब देखिए ये करेक्ट पूछा गया है, वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर कॉलेज एजुकेशन. संतोष यादव कौन है, बेसिकली ये एक पर्वतारोही है, इंडियन माउंटेनियर है, जो एजुकेशन के लिए अपनी कहाँ गए थे, जयपुर. और जयपुर में कहाँ पर, महारानी कॉलेज में, जयपुर के अंदर एक महारानी कॉलेज है, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी स्टडी की थी संतोष यादव ने. चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे बिल्ड. अंडरग्राउंड रेलवे आपको सबसे पहले कहाँ देखने को मिली, कलकत्ता के अंदर, ठीक है. 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, भारत का पहला नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी द फर्स्ट फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होते हैं, ठीक है. सिविल राइट मूवमेंट ऑफ इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर जो सिविल राइट मूवमेंट्स है वो किसने शुरुआत की थी, उसकी शुरुआत करी थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, और साथ में इसके इनके इनके साथ में थे मलून एक्स और लिटिल रॉक मैन, और कुछ और भी लोग साथ में थे, ठीक है. तो बट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर, ठीक है. चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट गिव राइज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म. जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो किस ने बेसिकली किस के द्वारा, मतलब किस रिवॉल्यूशन में, किस इवेंट या रिवॉल्यूशन के बाद वो आया, ठीक है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म आया आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में, ठीक है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है यहाँ पर 96, बिस्मिल्ला खान, ठीक है. ये इन्होंने का जो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था शहनाई, ठीक है, शहनाई इंस्ट्रूमेंट बजाते थे बिस्मिल्ला खान. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है तुरंत कौन सा काम हुआ, ठीक है, क्या देखने को मिला. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तो उसके बाद देखने को मिला असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रियन प्रिंस. तो जो ऑस्ट्रियन प्रिंस है उसका नाम था आर्क ड्यूक फ्रेज, ठीक है, और जो कि ऑस्ट्रिया का प्रिंस था उसकी उसको मार दिया गया वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ठीक है. तो ये सबसे पहला जो एक इमीडिएट कॉज रहा वर्ल्ड वॉर वन को होने का, मतलब देखिए एक्चुअली सॉरी होने का इसमें पूछा गया कि इमीडिएट कॉज क्या रहा, मतलब कोई चीज़ होती है ना चल रही धीरे धीरे, कोई एक ऐसा ट्रिगर बनता है जिसकी वजह से कोई घटना घट जाती है, तो वो ट्रिगर था कि जो ऑस्ट्रियन का ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस था उसको मार दिया गया, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड वॉर वन है वो शुरुआत हो गई, उसकी और ज़्यादा पीक पर चला गया, ठीक है. तो ये था हमारा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, बिहार बिहार पुलिस का, बिहार पुलिस, ठीक है, आपका फायरमैन का, जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ये मॉर्निंग मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, उसको हमने सॉल्व किया. अभी देखिए इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश के, ये आपके कुछ जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको जो रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले वो मैंने स्किप कर दिए हैं, ठीक है. तो बाद में मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, उन क्वेश्चंस के जो करेक्ट आंसर होंगे वो मैं कमेंट बॉक्स में एक लिस्ट बना के डाल दूंगा कि ये जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हुए हैं उन क्वेश्चंस के ये फलाना फलाना आंसर्स हैं, आप चेक कर लीजिए चाहे तो, ठीक है. तो ये था हमारा वीडियो इस पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड, ठीक है. तो कैसा लगा आपको वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर आउट करें. मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.